साबूदाना के पापड़ खाना तो हर किसी को पसंद होता है और इस पापड़ को आप व्रत में बनाकर खा सकते हैं और बिना व्रत के भी खा सकते हैं। तो आज हम साबूदाना के पापड़ की बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाले हैं, जो कि बनाना काफ़ी ज़्यादा आसान है और ना ही इसे आपको ओवरनाइट के लिए भिगो कर रखना होगा। तो बिना बेले बिना बहुत देर तक भिगोए आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से साबूदाना के पापड़। आप देख ही पा रहे होंगे मैंने कितने ज़्यादा सुंदर और ट्रांसपेरेंट पापड़ लिए हुए हैं और ये तरीका साबूदाना के पापड़ बनाने का ना रियली बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक कप साबूदाना लिया है। मेजरमेंट का आप जरूर ध्यान रखिएगा, जिस कप से आप साबूदाना ले रहे हैं उसी कप से हमें पानी भी लेना होगा। तो मैंने यहाँ पर मीडियम साइज का मोतियों वाला साबूदाना लिया है, ये वही साबूदाना है जिसकी हम व्रत में भी खिचड़ी बनाते हैं। तो अब इसको हम बॉल में ट्रांसफर कर लेते हैं और 2 से 3 बार इसको रगड़कर हमें अच्छे से साफ करना है, ताकि जो इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में स्टार्च होता है ना वो निकल जाए। तो अब इसका गंदा पानी हम हटा देते हैं और जिस कप से हमने साबूदाना लिया था ना उसी से 1 कप गर्म पानी हम इसमें डालेंगे और अब इस साबूदाना को हम भिगोने के लिए कवर करके रख देंगे केवल 1 घंटे के लिए। तो अब 1 घंटे पूरे हो चुके हैं और साबूदाना भी काफ़ी अच्छे से फूल भी गया है। अगर कुछ दाने साबूदाना के ज़्यादा नहीं फूले हैं तो उसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। तो अब इसे हम ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे और उसी से 1 कप पानी भी साथ में डालकर एकदम बढ़िया से पीस लेंगे, यानी कि इसे हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ग्राइंड करना है। और ये देखिए बस इसी तरह का साबूदाना को हमें पीस कर तैयार करना है। तो अभी इसे हम जिस बर्तन में पकाना है उसमें ट्रांसफ़र करेंगे और जार में जो थोड़ा बचा रह जाता है उसमें थोड़ा सा पानी डालकर बर्तन में डाल देंगे। इसके बाद अब उसी कप से हम इसमें पानी डालेंगे, यानी कि 1 कप साबूदाना के हिसाब से हम 5 कप पानी डालेंगे और 1 कप मैंने साबूदाना को पीसते वक्त डाला था। तो टोटल मैंने 6 कप पानी डाला है। इतना पानी साबूदाना बिल्कुल परफेक्ट होता है और बाद में भी डालने की ज़रूरत नहीं होती है। तो अब इसे हम एकदम बढ़िया से मिलाएंगे और अब ये अच्छे से तैयार भी हो गया है। तो चलिए अब अगली प्रोसेस की तरफ। अब बर्तन को गैस पर रखेंगे और हाई फ्लेम पर इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे, ताकि बर्तन के तले में चिपके ना। और कंटिन्यूसली चलाते हुए जब ये गर्म होना शुरू होगा तब आप देख सकते हैं इसका कलर ट्रांसपेरेंट होने लगेगा। तब हम लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए साबूदाना को अच्छे से पकाएंगे, क्योंकि अगर ये कच्चा रह गया ना तो पापड़ सूखते वक्त फट भी सकते हैं। तो इसी बीच इसमें हम नमक ऐड करेंगे। तो अगर आप व्रत के लिए बना रहे हैं तो इसकी जगह आप सेंधा नमक डालिएगा। इसी के साथ 1/2 चम्मच जीरा डालकर मिला देंगे। आप पापड़ को थोड़ा तीखा बनाना चाहते हैं तो इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डालिएगा। तो करीब 17 से 18 मिनट तक लो फ्लेम पर चलाते हुए मैंने इसे बढ़िया से पका लिया है। तो ये वाले पापड़ के लिए हमें इसी तरह की कंसिस्टेंसी का साबूदाना को पकाना होगा। तो गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे ठंडा करने के बाद आप देख सकते हैं पहले से थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा हो गया है। तो अब हम एक मोटी वाले प्लास्टिक सीट पर साबूदाना के पापड़ को बनाएंगे और जैसा भी छोटा या बड़ा पापड़ आपको पसंद हो अपनी पसंद से इसे बना सकते हैं, काफ़ी ईजिली बन भी जाएगा ये। और ये देखिए ये ढेर सारे पापड़ हमने सिर्फ 1 कटोरी साबूदाने से बनाकर तैयार कर लिया है। तो अगर आप छांव में सुखाना चाहते हैं तो ईजिली सूख सकते हैं और धूप में भी जल्दी से सूख जाते हैं। तो ये लीजिए साबूदाना के पापड़ तो सूख चुके हैं, इसको हमने सिर्फ 1 दिन ही धूप में सुखाया था और ना ही कहीं से फटे हैं और ना ही टूटे हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट व्हाइट कलर के हमारे साबूदाना के पापड़ बनकर तैयार हुए हैं, जो देखने में भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं आप देख ही सकते हैं और खाने में भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आप इसे साल भर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। तो चलिए फ्राई भी कर लेते हैं इन पापड़ को। एकदम गर्म तेल में डालकर फ्राई करिएगा इन पापड़ को। तो पापड़ की और भी रेसिपी हमारे चैनल पर अपलोड है, आप जाकर देख सकते हैं, आपको हर तरह की पापड़ की रेसिपी देखने को मिलेगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू।